नगर में मौत के साए में पड़ने को मजबूर नौनिहाल स्कूल के ऊपर से खींच दिया गया है हाई टेंशन तार। प्राथमिक स्कूल के ऊपर से गुजर रहा है तार। एनटीपीसी और पावर कॉर्पोरेशन के मिलीभगत का है नतीजा। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजने से किया मना। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस ने देह व्यापार के अड्डों पर छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 35 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 10 लड़के और 25 लड़कियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने 15 टीम बनाकर 14 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की। छापे के दौरान 1,00,000 रुपए की नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। पुलिस ने सभी स्पा सेंटर्स को सीज कर दिया। लखनऊ के गड़ी गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। गुड़म्बा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके परिजनों ने जमीन बेची थी। आरोपी बेटा पैसे लेकर शादी करना चाहता था, लेकिन मां इसका विरोध कर रही थी, जिससे गुस्साए बेटे ने मां को मौत की घाट उतार दिया। बांदा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने बबेरू थाना क्षेत्र के कोरम गांव में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कुएं से अवैध शराब की 1200 पेटी बरामद कर ली। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 50,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने ट्यूबवेल को भी सीज कर दिया है। शाहजहांपुर में चाय विक्रेता की गोली मारकर हत्या। कार सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। थाना कटरा के कस्बे की घटना। कानपुर में डीएम एसएसपी ने जिला कारागार का किया आवश्यक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जेल में हड़कंप मच गया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने डीएम के साथ जेल का दौरा किया। जेल में डीएम ने तलाशी के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने जेल के बैरकों की तलाशी ली। बुलंदशहर में पारिवारिक कलेश के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के सालाबाद गांव की घटना। मॉब लिंचिंग के खिलाफ निकाल रहे मेरठ के अल्पसंख्यक शांति जुलूस पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने फैजाम इंटर कॉलेज पर जमा हो रहे सैकड़ों लोगों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मची भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हो गए। ललितपुर शस्त्रों के बल पर दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा। विरोध करने पर दी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। पुलिस को शिकायती पत्र देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। मैनपुरी में अस्पताल के सामने मकान बनाकर रह रहे लोपीटा के मकान में घुसा टैंकर। टैंकर के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत, 1 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेवर थाना क्षेत्र की जीटी रोड अस्पताल के पास की घटना। हापुड़ में दबंगों की दबंगई सामने आई। सरेआम एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। मामूली बात को लेकर युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से युवक हुआ घायल। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र रेलवे रोड का मामला। सीतापुर में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। केसरबाग डिपो के पास टक्कर। दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। थाना रामकोट के कटीली क्षेत्र में NH-24 का मामला। जनपद बहराइच के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से सटे बलई गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करने के साथ 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम के शिप्रा चौकी के दरोगा का वीडियो वायरल। वीडियो में दरोगा गरीब ठेली पटरी वालों पर दिखा रहा है अपना गुस्सा। ठेले वालों वाले दीवान जी पर 50 रुपए लेने का लगा रहे हैं आरोप। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।